को वेस्ट इंडीज के साथ 5 T20 मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने सीरीज 3-2 से गंवा दी। टीम इंडिया को पहली बार वेस्ट इंडीज के साथ 5 या उससे ज्यादा T20 मैचों की सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा। सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया के चीफ कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि हमने पूरी सीरीज में अच्छी बैटिंग नहीं की, इस वजह से हमें हार मिली। उन्होंने आगे कहा कि हमने सीरीज में कुछ गलतियां की हैं जिनमें सुधार की जरूरत है, हमने उनको पहचाना भी है। इसके साथ उन्होंने टीम का बचाव भी किया और कहा कि हम एक युवा और उभरती हुई टीम के साथ खेल रहे थे तो ऐसा होता है। दरअसल नियमित कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से ब्रेक दिया गया था। सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में इस सीरीज में IPL में शानदार परफॉर्मेंस करने वाले युवा प्लेयर्स को मौका दिया गया था। इस सीरीज में तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल और मुकेश कुमार ने डेब्यू किया।